हेलो गाइस, बात करें विवेन डिसेना के बारे में। विवेन डिसेना की बात करें तो बैक टू बैक टीवी पर ही नज़र आ रहे हैं वो, जबकि उनके टाइम के जो एक्टर्स थे वो आज के टाइम पर ओटीटी पर शिफ्ट हो चुके हैं। तो कुछ लोग बॉलीवुड में एंट्री कर चुके हैं, तो कुछ लोग म्यूज़िक वीडियोस वगैरह इधर ध्यान दे रहे हैं, सो टीवी पर ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन विवेन डिसेना की अगर हम बात करें तो वो लगातार टीवी पर ही काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा गेन भी कर रहे हैं और लगातार वो एज अ लीड नज़र आ रहे हैं। सो डेफिनेटली उनके न्यू प्रोजेक्ट को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, सो ऐसे में फ़ैंस का एक्साइटमेंट से भरा होना तो बनता ही है। एक्साइटेड है फैंस उन्हें देखने के लिए एक बार फिर से न्यू प्रोजेक्ट में। आपको बता दें, विवेन डिसेना की बात करें तो उनकी जोड़ी कुछ ऐसी चुनिंदा एक्ट्रेस रही हैं जिनके साथ काफ़ी फेमस रही है उनकी जोड़ी। वैसे तो देखा जाए प्यार की ये कहानी शो से उन्होंने डेब्यू किया था तो श्रुति कंडपाल के अपोजिट नज़र आए थे। ये जोड़ी भी सुपर डुपर हिट रही थी। वहीं बात करें जब मधुबाला शो में दोनों नज़र आए, ऋषि धामी और विवेन डिसेना, एक बार फर्स्ट टाइम दोनों की जोड़ी देखने को मिली थी। इससे पहले विवेन के अलावा जो विवेन के अपोजिट दृष्टि नज़र आई थी, उससे पहले गीत और मान के कैरेक्टर से दृष्टि की जोड़ी गुरमीत के अपोजिट ऑलरेडी फेमस हो चुकी थी, लेकिन बावजूद उसके विवेन के अपोजिट भी इनको काफ़ी पसंद किया गया। सो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात रही। वहीं बात करें रुबीना दिलैक के साथ में हरमन और सौम्या की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस रही है। विवेन डिसेना और रुबीना दिलैक दोनों नज़र आए थे शक्ति अस्तित्व के एहसास की शो के अंदर। सो विवेन की जोड़ी ऑलमोस्ट जितनी भी एक्टर्स उनके अपोजिट नज़र आई हैं उन्हीं सबके साथ खूबसूरती से पर्दे पर नज़र आई है। नेक्स्ट जिस तरीके से प्रोजेक्ट की बातें सामने आ रही हैं, क्या कुछ वो होने वाला है या फिर उनके जो पॉपुलर कैरेक्टर रहे हैं उन्हीं में से एक बार फिर से नज़र आने वाले हैं उनके सीज़न टू में, क्योंकि मधुबाला शो के सीज़न टू की भी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, शक्ति शो के सीज़न टू की भी डिमांड हाई है। देखना यह है कि क्या इंटरेस्टिंग करने वाले हैं विवेन डिसेना या फिर आपको म्यूज़िक वीडियो के ज़रिए देखने को मिल सकते हैं विवेन कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा कि वो क्या कुछ होने वाला है, क्लियर कुछ नहीं है। फिलहाल तो वो उड़ारियाँ शो में देखने को मिल रहे हैं। सो देखते हैं क्या कुछ होता है। एक्साइटमेंट बताना, वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।